सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, मोटोरोला के बजट सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर मोटोरोला का ई सीरीज जो है स्पेशली बैटरी सेंट्रिक फोन है, कुछ साल से हम देख रहे हैं। और यहाँ पर मोटोरोला अपना मोटो ई 5 प्लस इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। मोटोरोला ने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है, सारे स्पेसिफिकेशन आ चुके हैं, प्राइस भी आपको बताने वाला हूँ और सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स दूंगा मोटो ई 5 प्लस के बारे में। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटो ई 5 प्लस के इंडिया लॉन्च डेट की। तो यहाँ पर मोटोरोला ने अपने ट्विटर हैंडल पे यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा जुलाई में इंडिया में। ठीक है, तो जुलाई में ये कंफर्म हो चुका है कि मोटो ई 5 प्लस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं और ये कंफर्म स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में कुछ महीने पहले लॉन्च हो चुका है, इंडिया में ये फिलहाल अभी लॉन्च होने वाला है। बिलो डिजाइन की बात करें तो आपको मोटो G6 जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। बैक पैनल आपको ग्लास है, फ्रंट में ग्लास है, तो वही आपको ग्लॉसी टाइप के आपको ग्लास बॉडी वाला फोन देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा HD+ रेजोल्यूशन के साथ में, 18:9 का पैनल देखने को मिलेगा और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। 3GB की रैम मिलेगी, 32GB की स्टोरेज मिलेगी, साथ ही साथ आप 256GB तक का मेमोरी कार्ड लगा के आप एक्सपांड कर सकते हो। प्रोसेसर यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 435 देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको एड्रीनो का 505 का GPU भी मिल जाएगा। कैमराज यहाँ पर आपको बैक में सिंगल कैमरा मिलेगा 12 MP का F2.0 अपर्चर के साथ में, लेजर ऑटो फोकस भी आपको कैमरे के बाजू में दिया हुआ है। तो आप ये कैमरे की फोटो देख के ये मत समझना कि यहाँ पर आपको डुअल कैमरा मिलता है, यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा मिलता है, जो सेकेंडरी होल दिया हुआ है वो लेजर ऑटो फोकस का है। अब फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 8 MP का मिलेगा F2.2 अपर्चर के साथ में और दोनों ही कैमरा आपका मैक्स 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन और UI की, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको ओरियो देखने को मिल जाएगा और स्टॉक एंड्रॉइड आपको मिलेगा। सेंसर्स आपको वही फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक साइड में मिलेगा। फेस अनलॉक आएगा या नहीं आएगा वो तो फोन आने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं बैटरी लाइफ की, जो कि बैटरी सेंट्रिक फोन है, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मैसिव 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये था पूरा पैकेज यहाँ पर मोटो ई 5 प्लस का। अब प्राइसिंग की बात करते हैं तो ग्लोबली प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग 13,000 के आसपास यहाँ पर US वगैरह में लॉन्च हुआ था, बट अब इंडिया में एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ये 10,000 के आसपास, 10 या 11,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये फ़ोन अगर 10,000 में लॉन्च होगा तो क्या आप ये फ़ोन का वेट कर रहे हो या लोगे या नहीं लोगे, जो भी करोगे ज़रूर बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।